चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जो कि उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपके निवेश को सुरक्षित रखेंगे और इस सागर रूपी बाजार से बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से कुछ मोती जो है वो चुन करके हमारे एक्सपर्ट लाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। सर, ऐसे कौन से वो शेयर होंगे जो कि अभी के मौजूदा माहौल को देखते हुए लॉन्ग टर्म में लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? क्षेत्र में से दो कंपनियां इस बारी हमने पसंद की है लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। पहली है वित्तीय क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक, सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निरंतर सुधार नतीजों में हो रहा है और यही सुधार आगे आने वाले तिमाहियों में आता हुआ दिखेगा। ऋण की मांग आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे लोन बुक ग्रोथ होगा। ग्रॉस नेट एनपी नीचे आ रहा है, प्रोविजनिंग नीचे आ रहा है। 900 रुपए के लक्षांक, बहुत ही साधारण से लक्षांक है ये, हमने निर्धारित किए, लेकिन नतीजे हमें यकीन है कि निरंतर सुधार होगा, तो इस लक्षांक को भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी कंपनी ऑटो क्षेत्र से दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है, दक्षिण भारत स्थापित टीवीएस मोटर्स। एक समय था विपुल जी जब तुलना में हीरो मोटर और बजाज ऑटो से पीछे छोड़ करके ये काफी ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आई हैं छोटी मध्यम अवधि के लिए, इसके कारण एक दायरेबंद कारोबार हम देख रहे हैं। इस स्तर से अगर आप निवेश करते हैं, करीबन 2000 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है, 2300 तक के लक्षांक में नजर आते हैं। यहाँ पर भी वही चीज करूंगा, अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्षांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, तो ये दो शेयर जो है गौरांग जी के पसंदीदा शेयर, एक है बैंकिंग क्षेत्र का दिग्गज और दूसरा टू व्हीलर से जुड़ी कंपनी, आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आप मौजूदा स्तर के आसपास खरीद सकते हैं और यहाँ पर 2300 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो नज़रिया है ये लंबी अवधि के लिए जो है खरीदारी की सलाह दी जा रही है। बैंक क्षेत्र में, बैंक क्षेत्र का दिग्गज SBI को आप खरीदें, यहाँ पर ऊपर 900 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये वो ऐसे शेयर हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और रख करके आप इसको भूल जाइए, क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पर काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। लेकिन हाँ, समय समय पर इनसे जुड़ी खबरें जरूर देखते रहिए। कई बार बहुत अच्छे फंडामेंटल्स होते हुए भी छोटी मोटी कुछ खबरें आ जाती हैं, तो खबरें देखते रहिए। लेकिन हाँ, अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए आपको ये शेयर रखने चाहिए ताकि वो आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। गौरांग सर, आपसे अभी मन तो भरा नहीं था, ना हमारे दर्शकों का ना मेरा, लेकिन समय की आपके पास कमी रहती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वो हमारी, हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को भी राय देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें कि बहुत चुनिंदा शेयर लेकर के हमारे खास मेहमान लेकर के आते हैं। अविनाश सर, कौन से शेयर होंगे जिस पर कि आप खरीदारी या बिकवाली की सलाह देना चाहेंगे इस समय? मेरे पास बिल्कुल दो शेयर है। एक शेयर को मैंने आपके चैनल पे बहुत पहले रेकमेंड किया था, लेकिन अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी का नाम है अनंतरा, जो गुड़गांव मार्केट में रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी के नतीजे 24 अप्रैल को आए थे, 1483 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, जो पिछले साल 950 करोड़ था। और कंपनी का जो मुनाफा है वो कम से कम 263 करोड़ आया, जो पिछले साल 150 करोड़ था। अभी कंपनी ने कहा है कि डेटा सेंटर का बिजनेस अच्छी तरह से स्केल अप हो चुका है। ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो 300 मेगावाट की डेटा सेंटर की कैपेसिटी लगा रही है। अभी ऑलमोस्ट दिसंबर तक इनका प्लान है कि वो 28 मेगावाट तक जाए, तो इस धंधे से करीबन 200-250 करोड़ का रेवेन्यू तो अगले साल आना है। मेरे ख्याल से अगले साल 350 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो इस साल 263 करोड़ है। और मुझे लग रहा है कि 360 का अभी जो प्राइस चल रहा है, अगले साल एक साल में करीबन 450 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो अनंतराज डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। और दूसरा जो शेयर है लार्ज कैप में जो हमको पसंद है वो टाटा मोटर्स है। देखिए, टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अपनी कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार बिजनेस को वो दो हिस्सों में बांटेंगे, और इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में री रेटिंग के लिए जगह काफी अच्छी है। प्लस FY25 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे सेगमेंट्स में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 1150-1200 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। आपको कम से कम 6-12 मंथ्स का टाइम फ्रेम देना है, तो टाटा मोटर्स भी एक अच्छा विकल्प है लार्ज कैप स्पेस में, जो आपके पोर्टफोलियो में आपको इंक्लूड करना चाहिए। चलिए, तो ये दो शेयर यहाँ पर निकल करके आते हुए, जहाँ पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं।